क्या ताबड़तोड़ धूप है ना यार, बहुत ज्यादा। गाड़ी तो एकदम भट्टी बन गई होगी ना, मतलब हाथ नहीं रखा जा रहा है, जबकि मेरा हाथ गीला है तब भी यहाँ पे हाथ रखना है, इतना ज्यादा गर्म लग रहा है ना भाई। बीच बीच में मानसून आ रहा था, अच्छा लग रहा था। हाँ अब देखो, नहीं ये घर देख लो पहले, बस छत बनना बाकी रह गया भाई, उसके बाद यहाँ पे लोग रहने लगेंगे। मस्त बन गया घर, एकदम कंप्लीट हो गया। हाँ एक समय था होली के टाइम पे, नहीं सॉरी, हाँ होली के टाइम पे जब हमने ना यहाँ पे गाड़ी उतारी थी, अपनी थार और डिफेंडर उतारी थी इस ऐसे गड्ढे में। अब देखो कोई बोल सकता है? नहीं बोल ही सकता है, अगर वीडियो देख रहा है तो बोल ही सकता है, वीडियो में तो सब चीज़ दिख रहा था ना। भैया रेडी हो जाओ और इसको लेके चलो। सुबह सुबह उठना भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी कभी मेरे लिए, स्पेशली जब आपको ना रात में लेट तक, देख रहे हो कैसे लग रहा हूँ, नहा के थोड़ा सा ढंग का लगूँ। सुबह सुबह उठ के मैं इसीलिए कैमरा कभी नहीं उठाता, आपको भी लेजी लेजी सा फील आएगा ना, एक कैमरा क्यों गंदा है यार। अच्छा नहाया नहीं तो शक्ल ही गंदी है। अभी जब मैं वहां गया था ना, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आया था ना, वो सारी चीजें ना मैं डेली खा रहा हूँ यार, बेरीज, ब्लूबेरीज, पता नहीं क्या क्या, जितने सारे अतरंगी चीजें लाया था ना भाई, इतने टेस्टी लगते ना मजा आ जाता है। अभी सुबह सुबह फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं और फिर यहाँ से भाग लेते हैं। तू लाइट कटने से सबसे ज्यादा परेशान रहती है, चल ठीक है, देखो कैसे कड़ी है, ऐसे पता नहीं क्या चला गया उसकी जिंदगी से। चलो भैया नीचे चले, हाँ तीनों गाड़ी की चाबी लेके चल रहा हूँ। जी बेसिकली क्या है ना कि अगले वीक पापा आ जाएंगे एंड उसके बाद हमारी जो ये सफ़ेद रंग की गाड़ी है ना, या ये वाली सफ़ेद रंग की गाड़ी, वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको ना स्टार्ट करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो कि पापा आए और गाड़ी का बैटरी पूरा डाउन हो गया रहे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार, यार पेट्रोल गाड़ी में ये चीज़ सही है यार, आपको स्टार्ट नहीं भी करो ना तो मस्त रहती है गाड़ी, हाँ स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा इसको 5 मिनट ऑन छोड़ देते ना। अभी अक्टूबर नवंबर में ये गाड़ी ली थी और ये देखो 1640 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर भी पूरी नहीं चली है ये, बस इतनी चली है, अब थोड़ा सा चलने लगेगी, चलने फिरने वाली। बाकी आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का दिन क्यों है, क्योंकि अपने को अपने हाथ में आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जो नहीं रहे तो ये सारी गाड़ियाँ ना बेकार है, मतलब इनका फिर ना कोई फ़ायदा नहीं, वो डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। और फॉर्चुनर की चाबी इसलिए लेके निकला हूँ, बताऊंगा वो भी बताऊंगा एक एक करके, आज ना मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। तो हे गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे मॉर्निंग में व्लॉग देख रहे हो, मेरा आफ्टरनून हो रहा है इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा एसी कम करें गुरु, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इतने शोर में तो कहाँ से चलेगा, थोड़ा सा तेज कर दे, इतने गर्मी में भी नहीं चलेगा। अरे यार ये तो ज़्यादा ही तेज हो गया यार, आदमी की लाइफ में कितना कन्फ्यूजन है ना। तो फिलहाल अपन निकले कहाँ पे, ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं और मैं बता रहा था एक डॉक्यूमेंट ऐसा जिसके बिना ये सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना सब बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, और वो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो जाने के पहले ना, अगर आप चैनल पे पुराने तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, होने वाला था, मतलब मेरे बर्थडे के दिन एक्सपायर हो जाता, और हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए दिया था, जो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ गया है। जिस भैया को हमने दिया था, जो हमारे लिए ये सब हमारी हेल्प कर रहे थे, उनके पास जा रहे हैं पहले अपना डॉक्यूमेंट उठाने, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट मैं इसलिए भी ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम प्लान कर रहे हैं एक वीकेंड ट्रिप, मतलब एक गाइस ट्रिप जैसा होता है ना एग्जैक्टली वैसा, एक ज़्यादा नहीं यार ये बड़ा लुलुर पुरुल है, एक मिनट रुक जाओ, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज पड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब बीच में तो बारिश वारिश हो रही थी और अभी इतनी ज़्यादा तेज है ना कि एक तो एसी कम करो तो तुरंत पसीना आने लगता है, दूसरा ये जो अपना विंडो पे माउंट लगा रहे थे भाई पिघल रहा है, मतलब लिटरली पिघल रहा है, मतलब इतना देखो कितना शेक आ रहा है ये, बिकॉज क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि वो ना पिघल पिघल के ना एकदम वो हो गया है ऐसा, मतलब ढीला हो गया है। लगाने के लिए तो हमें कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली, तो अपन भैया को फोन कर देंगे, हाँ कि हम आगे, अरे यहीं पे तो है, सामने ही है, चलो यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं भाई। तो ये रहा अपना ड्राइविंग लाइसेंस फाइनली 10 साल के लिए, हाँ अगले 10 साल कोई टेंशन नहीं गुरु। तो भैया को मैंने ना रोड पे ही बुला लिया था, क्योंकि इधर ना पार्किंग की जगह ही नहीं थी यार, कहीं भी गाड़ी नहीं लगा सकते थे, जो मुझे उनको देना था वो मैंने दे दिया और भैया ने हमारी अमानत हमें पकड़ा दी। देखो लाइसेंस बनाने के लिए ना आप नॉर्मली अपने से भी अप्लाई कर सकते हो और अपने से खुद से जाके बनवा सकते हो, लेकिन मेरी पूरी हेल्प भैया ने की, ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ उन्होंने करवाया और मेरे को ना
बस एक बार फोटो और ड्राइविंग टेस्ट जो होता है ना, वो टेस्ट में तो देखो अपन एक्सपर्ट है ही। तो जी अब अपन जा रहे हैं करण भाई से मिलने, करण बिंद्रा, करण सैगल तो अभी मनाली या लद्दाख में पता नहीं कहाँ पे है। तो अभी जा रहे हैं करण भाई से मिलने, बहुत टाइम हो गया था भाई का, बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, लेकिन मेरा इतना ऊपर नीचे हो रहा था ना कि किसी से मिलना ही नहीं हो पा रहा था। प्लस काम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना प्रायोरिटी लिस्ट पे, सबसे ऊपर अभी काम ही है। मेरे को ना 2-3 कमेंट्स मैंने पढ़े कि यार अब आप ट्रैवल नहीं करते। भाई कितना ट्रैवल करूं 365 डेज ट्रैवल ही करता रहो इतना तो ट्रैवल करता हूँ। मेरे घर वाले कहते तुम घर पे नहीं रुकते, और आप कहते हो कि ट्रैवल नहीं करते। भाई कितना ट्रैवल करूं, 365 डेज ट्रैवलिंग वीडियोस नहीं आ सकती। भाई काम भी होता है लाइफ में, मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग और भी काम होता है लाइफ में, वो सारी चीज़ें भी ना रह के ही देखनी पड़ती है, पीछे से कुछ नहीं होता। तो थोड़ा समझा करो भाई पूरे टाइम 365 डेज ट्रैवल नहीं हो सकता। तेरी हाइट कितनी है? 6'3" भाई। ये गाड़ी 6'3" वालों के लिए नहीं है, ये देख रहा पैर टच हो रहा है भाई, ऐसा नहीं लग रहा जमीन पे बैठ गया तू? पहली बार बैठा ना? नहीं दूसरी बार। अच्छा पहले रात को गए थे ना राइड पे, इस पे कहाँ गए थे? इसी पे तो गए थे जब वो एक और BMW वो भाई की थी ना, रात को गए थे। करेक्ट भाई, देखो पैर ही एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैंने कहा पीछे कर ले भाई, अब करना पड़ेगा तुम्हें मॉडिफिकेशन ऐसे करानी, सीरियसली 6'3" के हिसाब से बनवानी पड़ेगी भाई। उस साइड हमें पार्किंग नहीं मिली, हमने गाड़ी इधर लगा दी क्योंकि अभी इसका बाहर रहना जरूरी है, और हमें जाना है फॉर्च्यूनर से क्योंकि फॉर्च्यूनर का PUC एक्सपायर हो गया यार। अब ना ट्रिप जो हम कर रहे हैं ना वो हम करेंगे फॉर्च्यूनर से, तो बिना PUC के ना भाई डिफरेंट स्टेट क्या अपने स्टेट में भी चलाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तीनों चाबी लेके निकला था। करण भाई एक बार गेट खोलेगा ये वाला? हाँ मैं बैठ के स्टार्ट करता हूँ ना। वाली सड़क बन गई, इस पे हमने थार बहुत टेस्ट करी है। हाँ ना, इस पे सारी गाड़ियाँ इसी पे टेस्ट होती थी पहले, थार और जो हमने लाइट्स लगवाई हैं। हाँ ये अंधेरी रहती है ना, रात में अंधेरी सड़क है ये, मजेदार है। बाकी सब रोड भी बनी जाएंगे, सरकार कर रही है धीरे धीरे काम कर रही है। लास्ट टाइम ट्रिप जाने के पहले ना मैं फॉर्च्यूनर को PUC कराने लाया था, तो एक साल कंप्लीट नहीं थे, भैया ने मेरे को मना कर दिया था कि भैया नहीं होगा PUC, एक साल कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप PUC करा सकते हो। अब एक साल कंप्लीट हो गया मेरा भाई, ये आ गया अपना PUC, इसको उल्टा इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मेरे डिटेल्स हैं। बाकी ये बहुत जरूरी है, येल्लो कागज ना बहुत जरूरी है भाई, इसके वजह से ना बहुत, अगर ये कागज नहीं रहे ना, मतलब 118 रुपए लगे मेरे को एक साल का करा के, मतलब 118 रुपए, कभी कभी तो बहुत जगह 200 रुपए भी लेते हैं, बट ये वाले भैया से ना मैं बहुत पुराना, मैं सारी गाड़ी वही बता रहा हूँ, मैंने 180 रुपए में कराया भाई, मैंने 200 रुपए में भी कराया एक साल का। हाँ ये बहुत लूटते हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली जाओ ना तो जो पुलिस वाले मशीन में चेक करते हैं, तुरंत सबसे पहले पोल्यूशन ही चेक करते, क्योंकि आधे लोग ना दिमाग से निकल जाते हैं। चल भाई ट्रिप से आता हूँ ना, फिर मिलते हैं, चल बाय, टेक केयर ना, बाय। चलो भैया, भाई को अपने ड्रॉप कर दिया, अब सीधे चले घर। हाँ भूख लगी मेरे को ताबड़तोड़। जब मैं गया था ना तब भी लाइट कटी हुई थी, और देखो अभी भी लाइट कटी हुई है, लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ है भाई, पता नहीं क्या ही हिसाब किताब है लाइट का, इतनी गर्मी में ना भाई घर इतना गर्म हो जाता है। क्या तू इतना क्यों खुश होने, इधर आ इधर आ, देखो हाँ इधर आ, हाँ टॉय लेके पहले से ही रहा कर ना, जब टॉय दिखाना है तेरे को, मैं जैसे देखा ही नहीं ना। ये तो ऐसा लगता है ना कि हमारा डिसीजन बहुत सही था कि भैया वीकेंड पे चल लो पहाड़ों पे। हाँ वीकेंड पे ना पता है क्या होता है, वीकेंड पे लोगों की छुट्टी रहती है, दिन भर एसी चलता है तो लाइट और जाती है, क्योंकि इतना जो लोड है वो ले ही नहीं रहे तो लाइट कट जाती है, इसीलिए हमने प्लान किया भैया लाइट कटेगी वीकेंड पे, कट लो इसके पहले भाग लो भाई। अगर आपको काम नहीं है ना मत निकलो, दोपहर में मत निकलो, ऑफिस वाले हो सेल्स वाले हो, नहीं सेल्स वाले को तो निकलना पड़ता है, अगर ऑफिस में है तो भैया आप समझो लास्ट जन्म में ना बहुत कुछ अच्छा किए होगे ताकि आपको सिटिंग वाला जॉब मिला है, नहीं तो भाई धूप में गाड़ी का AC ऑन कर दो गाड़ी ठंडी नहीं होती, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और जो जलती है ना कपड़ों के अंदर से जलन तक फील होती है। छोड़ दूंगा ना गुड़गांव, छोड़ दूंगा जल्दी, छोड़ दूंगा। एक 100% की चीज बताता हूँ, मतलब बहुत लॉजिकल, आपको भी लॉजिकल लगेगा, आपको कभी लोन चाहिए ना और किसी वेबसाइट या किसी बैंक में जाके आप पूछ लो, और उसके बाद या किसी ऑनलाइन साइट पे, मतलब बैंक वैंक पे तो नहीं, किसी ऑनलाइन साइट पे जाके आप पूछ लो, और उसके बाद देखो आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए ना या घर रेंट पे चाहिए, उसके बाद ना आप 99acres और ऐसे जो साइट्स है ना उस पे चेक कर लो, सबसे पहले तो वो ओके मांगते हैं कि भैया हम आपको कॉल कर सकते हैं, फिर उनका कॉल नहीं आता, उन जैसे बहुत सारी वेबसाइट से आपको फोन आने लगता है और कंटिन्यूस आने लगता है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो,
आज के डेट में जो सबसे पावरफुल चीज है ना वो है डेटा। तो भाई डेटा ऐसी चीज है ना, जिसके पास डेटा है समझो राजा है यार। और मुझे आपकी सजेशन चाहिए, सजेशन ये चाहिए कि मुझे ना एक या दो डेस्कटॉप लेने हैं, और डेस्कटॉप ना बेसिक वाले डेस्कटॉप लेने हैं, मतलब बेसिकली ऑफिस के लिए लेना है। बट एक वाला जो डेस्कटॉप है ना वो यूज होगा हल्के फुल्के एडिटिंग के लिए। तो मुझे प्लीज थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बताओ। देखो एप्पल में क्या है ना कि मैकबुक जो मैं एडिटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, करता हूँ, वो बड़ा महंगा है यार। वो मतलब मेरा वाला सिस्टम, आई थिंक मेरा वाला जो लैपटॉप है वो 2 लाख रुपए के आसपास आया था उस वक्त। तो इतना महंगा नहीं चाहिए। बेसिकली वो जो स्टाफ अपने रहेंगे, जो अपना ऑफिस का काम अपना अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए चाहिए। तो मुझे कोई सस्ता ना सस्ता सुस्ता जुगाड़ बताओ जिससे अपना काम भी हो जाए, ऐसा भी नहीं कि भैया ओवरलोड कर रहे हैं, और उतना महंगा भी नहीं हो। अगर आपके पास, अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मुझे जाना कहीं और था और मैं आ कहीं और गया। तो बेसिकली सौरभ भाई आए हुए हैं, वो जो कल हमारी मीटिंग नहीं हुई थी ना शाम में, वो आज शाम में थी, क्योंकि कल जिनसे मिलना था वो ऑक्यूपाइड थे, तो इसीलिए नोएडा से एनीवेज वो आ रहे थे, बट कल वो आना नहीं हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई, और आज वो मीटिंग है। तो अभी 5:30 बजे मीटिंग है अपने पास, तो अभी 2 घंटे का टाइम है। तो एक बार अपन जा रहे सीधे अपने साइट पे ही, वहाँ पे ही वो गाड़ी पार्क कर देंगे। और अरे यार हमारे पास पार्किंग आ गई ना, हमारी पार्किंग जहाँ पे हम बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। भाई थार नहीं लाने का या धीरे काम हो रहा है ना, तो उससे मेरे को ना बड़ा सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि अभी मैं ले आऊँगा तो उसको रखूँगा कहाँ। हाँ रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। अभी तो तीनों पार्किंग 2 गाड़ियाँ निकालनी पड़ती, इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी देख के निकालना पड़ता है, भैया सरिया वरिया ना लग जाए टायर में। तो अभी थार जब आएगी तब तक पार्किंग ताबड़ तोड़ रहेगी अपने पास। अच्छा रिवर्स लगाया आपने, बहुत तेज़ आवाज़ किया ना, कहाँ से लगवाया था भैया ये सेंसर? आया था गाड़ी में ही आया था ये। कौन सा गाड़ी है? ई रिक्शा है। बजाज का बजाज है? नहीं ई रिक्शा है। अच्छा ई रिक्शा है, तगड़ा भैया, यही वाला सेंसर लगवाएंगे हम। भैया काम वाम तो स्टार्ट हो गया है, अगर ये पहली बार ऐसा है ना कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मैं फिर से दिखाऊंगा लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हम करवा रहे होंगे। हाँ मतलब एग्जैक्टली हमारे हिसाब से होगा। तो अभी तो टूटना फूटने वाला काम चालू है, ये यहाँ से ये दरवाज़ा निकल रहे हैं, तो भैया इसको तोड़ के निकाल रहे हैं उसके बाद। हाँ जी भाई हम फिलहाल आए हैं नवेद्यम, और वहाँ जाके ना हल्का फुल्का खाना खाएंगे। आपने भी लंच नहीं किया ना? नहीं। मैं तो हल्का लंच कर लिया था, लेकिन ठीक है यार, एक फ़िल्टर कॉफ़ी पियेंगे आज, फिल्टर कॉफ़ी पियेंगे यहाँ का। हाँ मस्त साउथ इंडियन वाला टेस्ट और साउथ इंडियन वाला कॉफ़ी। राजा को पिलाते ना वो कॉफ़ी वाली वही मारना शुरू कर भाई वो बहुत बहुत जहर है ना, वो जहर है, कॉफी नहीं है जहर है। ये क्या मंगाया था आपने? मिस्सी बेलाबाद कुछ आ जाओ, रसम राइस। कौन प्रीमियम देगा, पागल होना। अच्छा मेरा तो भैया सिंपल है, साउथ इंडियन मतलब मसाला डोसा है, बेस्ट, जिसमें कोई सोचना ही नहीं पड़े। देखो ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है ना। हाँ ये बोरिंग लग रहा है। नहीं मेरे को तो, अरे मेरे को बहुत पसंद है ये। कहाँ में जाना था ना, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा था, तो हमने कहा भाई गाड़ी लगवा लो, सारे हम एक ही गाड़ी में बैठेंगे। जर्मनी। तो हमने थोड़ा सा ना ऐसे ड्रिफ्ट मारने की भी कोशिश की। हाँ ये भाई चाहता है ना कि जब गाड़ी पलट, हाँ क्या ड्रिफ्ट मारा, क्या ये तब मजा आता। हाँ भाई मैंने वो फुटेज देखा फिर, मतलब उसके बाद कह रहा भाई और तेज होनी चाहिए। मैं कहा भाई तुम एसयूवी में हो भाई, तो जो काम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया, और इतने सारे लोगों ने इतने सारे। हाँ क्योंकि अकेले से होता नहीं ना, तो हमने अज्जू भाई को बुलाया ना, फिर अज्जू भाई से भी नहीं होता तो हमने इसलिए हिमांशु को बुलाया और राजू भाई को बुलाया। तभी काम हुआ है। तभी काम हुआ है। चलो भाई बधाई हो। चलो ड्रिफ्ट मारेंगे। भाई दिन भर आज धूप में कैसा निकला है ना, मेरे को भी पता है भाई, देख रहे हो हाँ, अभी भी पसीना आ रहा है, अंदर बैठे थे तब भी पसीना आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा है
अब जो यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, तो वो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे करके दिखता रहेगा, धीरे धीरे करके वो ब्लॉग में आपको नजर आता रहेगा। मतलब अभी दिखाया जो सामान वगैरह अभी गिरा है, धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीजें यार, मतलब एक दो चीजें नहीं और बहुत सारी चीजें तो अभी ऐसी होंगी जो शायद हमें भी नहीं पता होगा, वो चैलेंजेस आएंगे। तो मिला जुला के अच्छा है, मजा आ रहा है। चलो भैया यहाँ से निकले सीधे घर, हेयर कट वाले भैया को बुलाए, बाल कटवाना है यार, देख रहे हो बाल कैसा हो गया, बाल कटवाना है। ट्रिप पे जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सुंदर सुंदर बन के जाएंगे, बाल कटवा के इंसान बन के। चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को ये पे खत्म। मैं तो शार लेके भाई, ऐसा वोल्टेज है ना कि एसी ना ऊपर काम ही नहीं कर रहा, मतलब ठंडा ही नहीं कर रहा, कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन।